आखिरकार हार गया बॉलीवुड का बादशाह, किंग खान के घर पर चल गया बुलडोजर। आखिरकार शाहरुख खान और पूनम महाजन की जंग में शाहरुख खान की ही हार हुई और फिर मन्नत पर हो गया बुलडोजर और हथौड़ों से हमला। वेल, एक तरफ जहां वैलेंटाइन डे के दिन करोड़ों लड़कियां शाहरुख खान के लिए अलग अलग तोहफे उनके घर पर भिजवा रही होंगी, वही बीजेपी एमपी पूनम महाजन ने वैलेंटाइन डे पर एसआरके को ऐसा जख्म दिया है जिसे वो सालों तक भूल नहीं पाएंगे। पूनम महाजन की पहल पर वैलेंटाइन डे के दिन ही मन्नत के बाहर बने अवैध रैंप को बुलडोजर से बीएमसी ने तोड़ डाला। दरअसल काफी दिनों से शाहरुख के घर के बाहर बने इस अवैध रैंप को लेकर लोगों में काफी नाराजगी थी, जिसकी वजह से पूनम महाजन ने कड़े कदम उठाते हुए बीएमसी कमिश्नर को लेटर लिखा। लिहाजा 14 फरवरी की सुबह बुलडोजर बुलवाकर इस रैंप को तोड़ डाला गया। पूनम महाजन का कहना है कि लोगों ने राइटिंग में शाहरुख खान के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की थी। वैसे लोगों की नाराजगी इस बात से थी कि सेंट मैरी चर्च के आने जाने के रास्ते में इस रैंप की वजह से काफी परेशानियां हो रही थी। वैसे तो शाहरुख खान ने इस पूरे इश्यू पर अब तक कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था, लेकिन अब देखते हैं कि रैंप के टूटने के बाद शाहरुख खान का क्या स्टेटमेंट सामने आता है।